हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित के चैप्टर टू पार्ट टू, जो पूर्ण संख्या अपन पढ़ रहे थे उसका सेकंड क्लास है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 अपन पूरी कर चुके थे और अब प्रश्नावली 2.2 अपन सीखेंगे। तो 2.2 अपन करें, उससे पहले कुछ अपन कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, कुछ गुण सीख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग जोड़ने और घटाने के, अंकों को जोड़ने और घटाने के कुछ गुण हैं, तो वो अपन सीखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला गुण है क्रम विनिमेय गुण है, ठीक है। क्रम विनिमेय गुण क्या होता है, देखो। अब ये गुण अपन एक बार जोड़ने के लिए पढ़ेंगे और एक बार घटाने के लिए पढ़ेंगे, और गुण क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं पहले एडिशन की, यानी जोड़ के लिए गुण क्या होता है। जैसे ए को आप बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। ये होता है क्रम विनिमेय गुण, यानी आप संख्याओं को आगे पीछे कर दो तो जोड़ने में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रम विनिमेय का मतलब होता है चीज़ें आगे पीछे करना, ठीक है। अब जैसे अपन साबित भी कर लेते हैं इसको, जैसे 3 + 7 करूं या 7 + 3 करूं, तो देखो 3 + 7 का आंसर कितना आएगा, 10, और 7 + 3 का आंसर भी कितना आएगा, 10, ठीक है। तो दोनों आंसर सेम आ गए। तो क्रम विनिमेय गुण, जोड़ का क्रम विनिमेय गुण क्या होता है कि आप चाहे ए को बी में जोड़ दो या बी को ए में जोड़ दो, उत्तर हमेशा सेम आएगा। तो आप इसकी जगह अगर आप ये लिख दोगे ना कहीं पे, अगर सवाल में 3 + 7 और आप बदल कर 7 + 3 लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये ठीक है, तो जोड़ में, अब जोड़ने में हो गया। अब दूसरा गुण करते हैं अपन, साहचर्य गुण। तो सेकेंड साहचर्य गुण क्या होता है, ये 3 संख्याओं के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ए बी और तीन संख्याओं को जोड़ना है। अब मैंने ए और बी पे कोष्टक लगा दिया, यानी पहले मुझे इन 2 संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसके आंसर को तीसरी से जोड़ना है, या फिर मैं ए बी सी को इस तरह जोड़ूँ कि मैं पहले बी और सी पे कोष्टक लगा के उनको जोड़कर उसका आंसर को पहले ए से जोड़ूँ, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। जैसे 3 + 5 + 7 कर दो, ठीक है, आप 3 और 5 पे कोष्टक लगा दो, यानी पहले 3 और 5 को जोड़ो, तो 3 और 5 कितना आ जाएगा, 8, और 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। अब इधर आप वापस इसी गुण में करो 3 + 5 + 7, और कोष्टक किस पे लगा दो, 5 और 7 पे, तो 5 और 7 का उत्तर कितना आ जाएगा, 12, और 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15। तो देखो दोनों केसेस में उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर आप 3 संख्याओं को जोड़ रहे हो, तो आप कहे पहले कोई सी भी 2 संख्या को जोड़ दो और उसके उत्तर को तीसरी से जोड़ दो, तो उसमें कभी भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है साहचर्य गुण, जोड़ने का साहचर्य गुण, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ए और सी को जोड़ लूँ और फिर बी को जोड़ दूँ, देखो ए और सी को जोड़ूंगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 15, तो भी उत्तर सेम आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को आगे पीछे करना क्रम विनिमेय गुण कहलाता है, और पहले कोई 2 चीज़ जोड़ो फिर उसको तीसरी से जोड़ो, तो ये कहलाता है साहचर्य गुण, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसे आएंगे अपने प्रश्नावली के। चलिए एक मिनट रुकते हैं अपन, आगे प्रश्नावली चालू करने से पहले आपको 2 गुण और बता देता हूँ, जिससे फिर प्रश्नावली के बहुत सारे सवाल हमें समझ में आएंगे। मैंने बताया कि क्रम विनिमेय गुण अभी किसका बताया, जोड़ने का, चाहे ए को बी से जोड़ो बी को ए से जोड़ो उत्तर सेम आएगा। तो ऐसा ही क्रम विनिमेय गुण किस में लगता है, गुणा में भी लगता है। गुणा में क्या, कि आप ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, उत्तर हमेशा सेम आएगा। जैसे 5 × 7 करो या 7 × 5 करो, आगे पीछे कर दो, तो 5 × 7 = 35 और 7 × 5 = 35, तो उत्तर क्या आएगा, सेम। यानी आप ए को बी से गुणा करो या बी को ए से, यानी ए इंटू बी को, यानी कहीं पे आपके सवाल में 5 × 7 है और आप उसको बदल कर 7 × 5 लिख दो, वहाँ पे बदल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्रम विनिमेय गुण, गुणा का क्रम विनिमेय गुण हमें बताता है। अब ऐसे ही गुणा का साहचर्य गुण भी होता है, कि आप जैसे मान लो ए बी और सी 3 संख्याओं को गुणा कर रहे हो, ए और बी पे कोष्टक लगा दिया, यानी ए और बी को पहले गुणा करो और उसके उत्तर को सी से गुणा करो, तो एक आंसर आएगा। और ए बी सी को आप गुणा करो जिसमें बी और सी को पहले गुणा कर लो, उसके उत्तर को ए से गुणा करो, तो दोनों केसेस में उत्तर क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे 3 × 2 × 7, ठीक है, तो पहले मैं 3 और 2 को गुणा कर दूँ, तो 3 × 2 = 6, और 6 × 7 = 42 आएगा। अब 3 × 2 × 7 में मैं 2 और 7 को पहले गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे बी और सी को, ये ए ये बी ये सी, तो 2 × 7 = 14, और 14 × 3 किए तो 14 × 3 = 42, ठीक है। तो देखो दोनों आंसर सेम आएंगे। तो ये क्रम विनिमेय गुण हो गया गुणा का, और ये क्रम विनिमेय साहचर्य गुण हो गया गुणा का, ठीक है। अब अपन सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना 2.1 प्रश्नावली। अब के शुरुआती 2-3 सवाल अपन ने जो भी अपने क्रम विनिमेय और साहचर्य गुण पढ़े गुणा और भाग के, तो उससे कर लेंगे। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करो, यानी आपको इन संख्याओं को योग करना है, लेकिन सीधा नहीं करना,
आपको ऐसे क्रम में लिखना है जिसमें जोड़ने पर जीरो वाला नंबर बने। जैसे आपको 837 को भी 207 से 8 से नहीं जोड़ना, ऐसे नंबर से जोड़ना है जिसको जोड़ने पर शून्य नंबर बने। जैसे आप मान लो आपके पास है 7 और 3 है, 7 + 3 + 2 है, तो आप पहले 7 और 3 को जोड़ोगे क्योंकि 7 और 3 क्या बनता है 10। आप 3 और 2 को नहीं जोड़ोगे, 7 और 2 को नहीं जोड़ोगे। ऐसे दो संख्याएं जोड़नी जिनको जोड़ने पर एक शून्य वाला पूर्ण संख्या, पूरी जीरो वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक है 7, इसका है 8 और इसका है 3। अब देखो 10 किससे बनता है, कौन से दो इकाइयों को जोड़ने पर 10 बनता है, 7 और 3 से। यानी मुझे पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो उत्तर आएगा उसमें इसको जोड़ना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को पास पास करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूँगा, इसको यहाँ पे लाऊँगा और इसको यहाँ पे, और चीज़ों को अदल बदल करना क्या कहलाता है, क्रम विनिमय गुण कहलाता है जोड़ का। ठीक है, तो वो गुण पढ़ा था उससे, यानी मैं 208 में 363 को जोड़ूँ या 363 में 208 को जोड़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही अपने गुण में पढ़ा था, तो मैं इसको लिख दूँगा 837 प्लस, पहले लिख दूँगा 363 प्लस 208। ये मैंने कौन सा गुण लगा दिया यहाँ पे, क्रम विनिमय गुण लगा दिया। ठीक है, क्रम विनिमय गुण लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा, तो इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, 837 और 363। तो 7 और 3 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10 0 हासिल 1, 8 और 3 11 12। तो आंसर कितना गया, 1200। देखो 1200 नंबर बना जीरो वाला। तो ऐसी दो संख्या पहले आपको जोड़नी है जिनसे जीरो का नंबर बने। ठीक है, अब 1200 में 208 ही एज इट इज़ आ जाएगा, ये नहीं जोड़ा था, तो 1200 208 आ जाएगा 1408। तो इस तरीके से आपको सवाल नंबर एक करना है, जिसमें क्या करना है, उन संख्याओं को पास पास लेकर आना है जिनको जोड़ने पर, जिनकी इकाई संख्याओं का योग कैसा आए, 10 आ जाए। ठीक है, अगर आपको मान लो चार संख्याएं दे दें, जैसे 4 + 1 उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपके लिए 4 + 7 + 6 + 3 ऐसी, मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपके, बड़े उदाहरण आएगा ऐसा, चार संख्याएं जोड़नी है। तो देखो 4 का योग 10 किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ, और 7 का किसके हो रहा है, 3 के साथ। तो पहले मैं इन दोनों को अदल बदल करूँगा, 4 + 6 पहले लिख दूँ, 7 बाद में लिख दूँ, +3। अब 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, और 7 और 3 भी कितना हो जाएगा, 10, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो ऐसे अगर चार संख्याएं भी आएँ, आपकी संख्याएं बड़ी आएंगी, ठीक है, तो बड़ी संख्याओं में क्या करोगे, उन संख्याओं को पास पास करोगे जिनका योग, जिनकी इकाई संख्याओं का योग 10 हो रहा हो, तो उनको जोड़ने पर फिर जीरो वाला नंबर बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो देखो एक बार बीच में कुछ बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 नहीं है, 2.2 है, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है। 2.1 तो अपने पिछले वीडियो में देख लिया, तो ये एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, आपकी 2.1 नहीं है, तो आप इसको 2.2 कंफ्यूज ना हो बच्चे, 2.2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल याद करो। अब पहले योग तो कर लिया, अब हमें सही क्रम में उसको आगे पीछे करके संख्याओं को गुणनफल करना है। तो उसका मैं पहला सवाल ले रहा हूँ आपके लिए, ए 2 × 1768 × 50, इन तीनों का गुणा करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, इसको इससे और इसको इससे। आपको क्या करना है, तरीका देखना है, ऐसी दो संख्याएं पहले गुणा करनी है जिनको गुणा करने से 100, 1000 ऐसा कुछ नंबर बने। तो देखो 2 को मैं अगर 50 से इंटू करूँ, तो 50 × 2 = 100 हो जाएगा। यानी पहले मुझे इन दोनों को गुणा करना है, फिर उसके उत्तर को इससे गुणा करना है। तो वही मैं क्रम विनिमय गुण कराऊँगा, मैं 2 को इधर ले जाता हूँ और 50 को मैं इधर ले आता हूँ और 1768 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 2 × 50 × 1768, ठीक है, 1768। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, क्रम विनिमय गुण लगा दिया, चीज़ों को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो अब अपन इन दो को इंटू कर लेंगे, तो 2 × 50 कितना हो जाएगा, 100 × 1768। अब 1768 को 100 से करोगे तो क्या आएगा, वही 1768 आ जाएगा और आगे 2 जीरो लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, चीज़ों को ऐसे आगे पीछे करके करना है। ठीक है, अगर मान लो इसका इसके साथ 0 बने तो इसको करो, ठीक है, इसका इसके साथ करे तो पहले इसको गुणा करो चाहे इसको करो, लेकिन ऐसे ही करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक डी सवाल और है, 625 × 279 × 16 आपकी प्रश्नावली से लिया है। तो देखो यहाँ पे 625 और 16 जीरो वाला नंबर बनाएगा, तो आप क्या करोगे, मैं हिंट बता दिया हूँ आपको कि आप पहले 279 को इधर ले जाओ, 16 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 625 × 16 × 279 279। अब 625 और 16 को आप क्या कर दोगे, गुणा कर लोगे। ठीक है,
तो एक एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कैसे पता करना है। जैसे देखो इसके लास्ट में 5 है, तो ऐसी संख्याओं देखो इकाई की संख्या आखिरी जिनको जो गुणा करने पे 0 आ जाए, तो 5 9 45 होता है, 9 6 54 होता है, लेकिन 5 6 5 6 30 होता है, यानी इन दोनों की इकाई संख्याओं का गुणा करने पे 0 बन रहा है, यानी इन दोनों को पहले गुणा करना है, तो इसलिए मैंने इनको बदल कर पास में ले आया। अब मैं इसमें कोष्टक लगा देता हूँ एक तरह से, तो मुझे इसको गुणा करना है पहले, तो 625 को 16 से करोगे तो आएगा 10,000, और फिर उसको कर दोगे 279 से, तो आंसर हो जाएगा 279 1 2 3 4। तो ऐसे आपको पहले वो दो नंबर इंटू करना है जिनको गुणा करने पे शून्य वाला नंबर बने, तो इसके लिए आप इकाई संख्याओं को गुणा कर लें। यहाँ पे देखो देखो 2 को 0 से गुणा कर तो 0 आता है, 2 0 0, इसलिए मैंने इन दोनों को गुणा किया था, ठीक है। तो इसलिए आपका ऐसे सवाल होगा। देखो एक एफ सवाल और ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, जिसमें 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या करोगे आप, 125 को करोगे 8 से और 40 को करोगे 25 से, तो इसके लिए क्या कर लोगे 125 इनको क्रम विनिमय कर दोगे, आगे पीछे कर दोगे, 8 × 40 कर दोगे × 25। अब आप इन दोनों का गुणा यहाँ पे निकाल लोगे, इन दोनों का यहाँ पे, और उनके उत्तरों को आपस में गुणा कर लोगे, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं वितरण गुण की। देखो वितरण गुण क्या होता है, गुणा का जोड़ के ऊपर वितरण गुण होता है। वितरण गुण क्या होता है, गुणा का जोड़ के ऊपर वितरण गुण। ये क्या होता है, जैसे मान लो a इंटू बी प्लस सी है, यानी कोष्टक में दो संख्या जुड़ रही है और बाहर a का गुणा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू बी, यानी a को एक बार b से गुणा कर दो और a को एक बार c से गुणा कर दो, और बीच में लगा दो ये प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, a इंटू सी। उदाहरण जैसे 3 × 5 + 7 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 5, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो 3 × 5 एक बार, और एक बार बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा 3 × 7, ठीक है। और दोनों तरफ के उत्तर निकालो सेम आएगा। देखो पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 + 7 को पहले जोड़ना है, क्योंकि कोष्टक में तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 3 36, और इधर भी देख लो आप 3 पहले गुणा कर लो फिर जोड़ना है, 3 5 15 + 3 7 21, और 15 और 21 को जोड़ोगे तो भी 36। तो ये वितरण गुण है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अगर हमारा सवाल इस रूप में होगा तो उत्तर इस रूप में देंगे, और उत्तर इस रूप सवाल इस रूप में होगा तो उत्तर इसमें आएंगे, ठीक है। अब अपन 2.2 का अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो अपने साहचर्य और क्रम विनिमय गुण से हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 वितरण गुण से होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 297 × 17 और 297 × 3, इस सवाल को आपको वितरण गुण से करना है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी आ रहा है। देखो पहले दोनों नंबर सेम है तो इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c, तो इसके बराबर में अपने क्या होता था, इसके बराबर में पहले होता था क्या होता था, अपने भी पढ़ा था a इंटू कोष्टक में b प्लस c, किसके बराबर होता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सवाल इस रूप में आएगा तो उत्तर इस रूप में आएगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 297, फिर उत्तर इसमें लिखेंगे, फिर कोष्टक, फिर b लिखेंगे, b संख्या कौन है 17 प्लस, फिर सी संख्या कौन है 3, यानी कि 297 को एक बार कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में एक जगह 17 बचेगा और एक जगह 3 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा गुणा, तो 297 × 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। अब 297 को 20 से करना है अपन को इंटू, तो 2 को 297 से आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 594, गुणा कर सकते हैं और एक जीरो लग जाएगा। तो ऐसे आपको उत्तर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी हैं उसमें सब में क्या करना है आपको, पहले इस रूप में अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में, और उत्तर इस रूप में देना है। तो 297 यानी जो पहली संख्या होगी, दोनों जगह सेम नंबर होगा, उसको आगे लिखना है, फिर कोष्टक में उन दो बाकी दो बची हुई संख्याओं को लिखना है, तो वितरण गुण अपन ने लगा दिया, और फिर इनको जोड़कर गुणा करना है, ठीक है। इसी का एक सवाल थोड़ा सा जटिल है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। चलिए देखिए ये सवाल अलग है डी वाला, बाकी सब में तो दो चीज़ प्लस दो चीज़ें, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 3 संख्याएँ हैं इस सवाल में, तो इसमें क्या करना है, पहले इन दो संख्याओं को गुणा कर लेना है, फिर नया सवाल बनाना है। तो 3 8 4 5 को 5 से गुणा करोगे, 7 6 9 को 25 से गुणा करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 225 × 782। यहाँ पे इन दोनों का गुणा आएगा 19 225, मैंने रफ में कर लिया, आप रफ में कर लेंगे। 769 को 25 से करेंगे तो यहाँ पे भी 19 225 ही आएगा। अब ये सवाल हमारा नॉर्मल सवाल हो गया, जिसमें पहली संख्या सेम है दूसरी संख्या अलग है, तो क्या कर लोगे, 19225 को कॉमन ले लोगे,
ये दोनों चीज़ें एक बार आ जाएगी और यहाँ पे कोष्टक में बच जाएगा 782 प्लस यहाँ बचेगा 218। ठीक है, अब 782 और 218 को अगर आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 1000 इन दोनों को 19225, और इसको इससे गुणा कर दिया जाएगा 19225000। तो ऐसे आपको सवाल करना होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बीच में माइनस होता, एक सवाल में माइनस भी, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको वितरण गुण लगाकर, यानी वो उसमें कह रहा है कोई भी उपयुक्त गुण लगाकर आप इसको हल करें, गुण का नाम नहीं दिया, इसमें हेडिंग लिखिए उपयुक्त गुण लगाकर हल करें, सीधा गुणा नहीं करना, गुण से करना है इसको। तो ऐसे क्या करना है, जो भी जीरो वाला नंबर हो, यानी जो 100 या 1000 के नज़दीक वाला नंबर हो, उसको दो भागों में तोड़ देंगे अपन। 738 इंटू 103 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 + 3, एक शून्य वाला नंबर और एक अकेला नंबर। ठीक है, अब ये वितरण गुण से हो जाएगा कैसे, ए इंटू बी प्लस सी का उत्तर किस में होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का उल्टा है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन ऐसे था, उत्तर अपन ने ऐसे लिखा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन ऐसे बना है और उत्तर अपन इस रूप में लिखेंगे। तो एक बार इसको इससे गुणा कर देंगे और एक बार इससे, तो हो जाएगा 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। तो 738 को 100 से करोगे तो 7 3 8 00 आ जाएगा, और 3 से करोगे तो 3 8 24, 2 हासिल 3 3 9 11, हासिल आगे 1 3 7 21 22, तो 2214। तो 2214 को अब आप 738 से जोड़ दोगे तो 73800, और ये 2214, तो आ जाएगा 4 1 0 carry 1 3 4 5 6 7 6 0 1 4, आंसर आ जाएगा 7 6 0 1 4। तो इस तरीके से आपको दो भागों में तोड़ तोड़ कर इस सवालों को करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहला पार्ट, ए पार्ट आपके लिए कर दिया, पहला या ए जो भी था, या तो पहला लिखा होगा या ए लिखा होगा, बाकी पार्ट में देखो आपको कैसे करना है, एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूँ। चलिए, तो मैंने आपके लिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बी और डी और भी लिख दिया है, ठीक है, और सी वाला भी ऐसा ही है, तो कर लोगे। तो इसमें कैसे करोगे, 854 इंटू 100 को क्या लिख दोगे, 102 को लिख दोगे 100 + 2। अब 854 को एक बार इससे कर दोगे और एक बार इससे गुणा कर दोगे, जैसे मैंने अभी पिछला किया था वैसे करना है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। इस सवाल में देखो जिस चीज़ को दो अंकों में तोड़ना है वो पहले दे रखा है, 102 जैसा नंबर पहले दे रखा है, ऐसा नंबर बाद में, तो अपन पहले इसमें क्रम विनिमय गुण लगा के आगे पीछे कर देंगे, सवाल ठीक करेंगे। अब अपन तोड़ देंगे 168 गुणा 1005, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 1000 + 5। अब एक बार इससे गुणा कर दोगे और इससे गुणा कर दोगे, इस तरीके से आपका सवाल नंबर 4 वितरण गुण से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सिखा दिया है। ये दोनों सवाल तो साहचर्य गुण और क्रम विनिमय गुण से हो जाएंगे, एक में जोड़ है और एक में गुणा है, और ये दोनों सवाल वितरण गुण से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सब के कुछ ना कुछ सवाल मैंने आपको बोर्ड पे लिए हैं, आप एक बार बुक में देख लेना सर ने कौन कौन से सवाल कराए हैं, तो उनसे मैच करके वैसे ही आप बाकी सवाल, इन चारों सवालों के बाकी हिस्से भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस प्रश्नावली 2.2 के 4 तक मैंने करवा दिया, बाकी सवाल अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।